टू आवर चैनल। आज हम लोग कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं। आज हम लोग आपको देंगे 2.5 साल पुरानी R15 V3 का रिव्यू, तो देखेंगे कि कैसी चलती है और क्या है इसका पावर, 2.5 साल में क्या कंडीशन रहती है इस गाड़ी। देखेंगे कि इसका एग्जॉस्ट मोड कैसा है, टायर की क्या कंडीशन रहने वाले हैं, और जैसे कि लोग बोलते हैं कि इसके इंडिकेटर कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ टाइम के बाद लटक जाते हैं इसके इंडिकेटर्स, वो देखेंगे, और इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है या नहीं हो रखी है वो भी चेक करेंगे। और क्या बोलूँ, बाकी तो आप सब जानते हैं बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शुरू से अपनी मार्केट बना रखी है स्पोर्ट्स बाइक के सेगमेंट में, और अभी का लुक को तो खैर कोई टक्कर दे ही नहीं सकता इस सेगमेंट में। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाइजर पे विनाइल रैपिंग हो रखी है, और इसके मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं इसमें वाइट बल्ब डले हुए हैं, जल नहीं रहा है, वाइट जल रहे जल नहीं रहा, देख रहे हैं कि वाइट इंडिकेटर है इसके, हमारे फ्रेंड्स। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस गाड़ी में फ्यूल इंजेक्शन दिया हुआ है, और इस बार इसमें VVA टेक्नोलॉजी जिसके कारण 7 RPM के ऊपर जाते ही इसका आवाज़ एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक का आवाज़ आता है इससे। और इसका मैं आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता चाहूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें 6 speed ट्रांसमिशन दे रखा है गाड़ी ने, और यहाँ पे पुरानी R15 में पास का यहाँ पे स्विच हुआ करता था, अब ये यहीं से पास का स्विच है। इसमें किल स्विच भी दिया हुआ है जो कि इसी कॉम्पिटिटिव होंडा CBR में नहीं आता है, और ये R15 की शुरू से फीचर है जिसमें किल स्विच दिया हुआ है। इंडिकेटर का नॉब यहाँ पर है, और इसमें हॉर्न यहाँ पर, इसमें अभी R15 BS6 में ड्यूअल हॉर्न दे दिया गया। इस गाड़ी में यही कमी थी कि इसमें ड्यूअल हॉर्न नहीं है, और इसमें स्लिपर क्लच नहीं था, और ये सिंगल चैनल ABS है, पुरानी R15 अभी वाली R15 डुअल चैनल ABS होती है, और इसमें अपने सेगमेंट के सबसे अच्छे LED लाइट दे रखे हैं जो कि लुक में कोई इस गाड़ी को टक्कर नहीं दे सकता। और मैं क्या बोलूँ, इसकी क्या बोलते हैं, कंट्रोल बहुत अच्छी है गाड़ी की, और क्या बोलते हैं, अपने सेगमेंट की सब फास्टेस्ट बाइक है। ये क्या एवरेज दे रही है तो ये आप हम आपको वीडियो के एंड में बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। बाहर खड़ी करके आऊँगा ना, फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं गाड़ी तो अच्छी खासी स्मूथ है, आदर्श भाई की गाड़ी है, उसी से हमने लिया ये गाड़ी कि हम रिव्यू कर सकें। तो फिलहाल इसने अभी अभी सर्विस कराई अपनी गाड़ी, तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है, और क्या ही बोलूँ, इसका फील चलाने वाले को तो बहुत एग्रेसिव है। और ये गाड़ी 5'8" के हाइट के ऊपर वाले लोग चलाएं तो भी अच्छा है, उनसे नीचे वालों के लिए गाड़ी बहुत ही अनकंफर्टेबल रहेगी। और अगर आप इसमें आपको झुक के बैठना पड़ता है तो क्या बोलते हैं, इसमें हाइट अगर आपकी कम रहेगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगने वाली है गाड़ी। पीछे वाले का सीटिंग पोस्चर बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि पीछे वाले के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है ये बाइक, लेकिन अगर आपको एक स्पोर्ट्स बाइक पसंद है, आपको कीड़ा है, अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक ही खरीदनी है तो इस पैसे में, इस सेगमेंट में इससे अच्छी बाइक मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। बाकी इसका पावर एक बार आप देख लीजिए, जैसा कि देख रहे हैं VVA टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो रही है, और इसका ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा है। बाकी पावर तो आप सभी जानते हैं, R15 V3 शुरू से R15 ने मार्केट बना लिया था,
यामा की कोई गाड़ी चले ना चले, आर1 टाइप ज़रूर चलती है मार्केट में। और फिलहाल 43.9 का माइलेज दे रही है, हाईवे में जैसा आदर्श बताते हैं 45-47 तक दे देती है उसको नॉर्मल 80-90 के स्पीड में। और बाकी उस हिसाब से सिटी में 43.9 फिलहाल दे रही है। और कोई भी स्पोर्ट्स बाइक इतनी एवरेज नहीं देती क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन और VVA टेक्नोलॉजी और बहुत सी कुछ बेहतरीन इंजीनियरिंग की है यामा वालों ने, जिसके कारण ये बाइक बहुत ही अच्छा माइलेज आपको निकाल के दे देती है सिटी में भी। और बाकी तो दोस्तों क्या बोलना चाहिए, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रफ चला रहे हैं, स्मूथ चला रहे हैं, कि आपका राइड क्वालिटी कैसा है, चलाने का तरीका कैसा है, उस पर भी बहुत डिपेंड करती है गाड़ी की माइलेज। तो भाई ने बहुत ही अच्छे से मेंटेन करा के रखा हुआ है, ये सब पे मत जाइएगा, ये तो इसके गियरिंग के कारण मैंने बोला उसे चेंज कर ले, ख़राब कर दिया उसने। हाँ बाकी गाड़ी चलने बहुत प्यारी है। गाइज आप लोगों ने राइड एंजॉय की होगी, तो चलिए देखते हैं कितना माइलेज देती है ये बाइक। ये फिलहाल 19,029 किलोमीटर चल चुकी है और ये बाइक आपको दे रही है 43.9 का माइलेज सिटी में, जबकि हम लोगों ने ऐसा नहीं कि बहुत स्लो चलाया, बहुत ही ज़्यादा स्पीड चलाया, नॉर्मली चलाया है। सुबह का टाइम था, उस हिसाब से एक स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से और इतनी पावरफुल स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से बहुत ही अच्छा इसका माइलेज रहा। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जुड़े रहिए हमारे साथ, बाय बाय।